निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2019 पेपर वन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसका हल देखेंगे। लेकिन आज हम एक नए तरीके से इसका हल देखेंगे, एक अलग सा तरीका। इसे अगर आप अपनाते हैं, अगर आप सीटेट में अभी तक क्वालिफाई नहीं हुए होंगे तो निश्चित ही क्वालिफाई हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तरीका जानते हैं। तरीका जानने से पहले हम आपसे दो प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं सीटेट में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, और दूसरा उन प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। देखा जाए तो प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो प्रश्न थ्योरी से होता है या प्रश्न अप्लाइड मोड का होता है। थ्योरी क्या होता है? थ्योरी होता है आपका बुक होता है, बुक से संबंधित डायरेक्ट वही क्वेश्चन आते हैं, उसे हल करना होता है। अब अप्लाइड मोड क्या होता है? अप्लाइड मोड होता है जो वास्तविक जीवन में जो हमारी घटनाएं घट रही हैं उसी से संबंधित एक प्रश्न दे दिया जाता है और उसको उस सेंस से जोड़ा जाता है। किस सेंस से? एक गलत सेंस से जोड़ा जाता है जो अधिकतर देखा जाता है ये लोग अपनाते हैं, उसी सेंस से जोड़ के दे दिया जाता है। बस यहीं से हमने इस तरीके को निकाला है कि अगर हम उस सेंस को, उस गलत सेंस को यानी नकारात्मक सेंस को अगर हम पकड़ लें तो निश्चित ही प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन इसको हमने थ्योरी से भी जोड़ दिया है, इसको हमने थ्योरी से भी जोड़ दिया है। अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो सीटेट ही नहीं, कुछ भी तैयारी करते हो, अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही क्वालिफाई होंगे। इसमें हम लोग करते क्या है को कीवर्ड तैयार करते हैं, शब्दों का कीवर्ड तैयार करते हैं और उस कीवर्ड को हम लोग सकारात्मक कीवर्ड कहते हैं, या सकारात्मक ही केवल शब्द कह सकते हैं, सकारात्मक वर्ड कहते हैं, सकारात्मक शब्द कहते हैं। जो उससे मैच नहीं होते हैं वो नकारात्मक शब्द हो जाता है हमारा, यानी नहीं वाले वाक्य या शब्द हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको, अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, नया तरीका है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस पे। लेकिन एक बार अगर ये बन गया तो समझिए कि दुनिया का कोई भी टेट हो आराम से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल भी हम लेंगे, इन सारे प्रश्नों पे एग्जाम्पल ही देखेंगे, आगे चलते हुए आपको समझाएंगे, एक एक शब्द समझाएंगे, उस पर क्वेश्चन को डील करते हुए आप देखेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको अटपटा सा लगेगा लेकिन आगे चल के आपको सारा चीज़ समझाएंगे। इसके साथ ही हम बता दें कि इन पे एक दो वीडियोस हमारा आ चुका है और वायरल भी हुआ था ये वीडियोस, उसे देख सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ढूंढेंगे सकारात्मक शब्द कि कहां से आए, तो दो वीडियोस हमारे उस पे आए हैं, देखिए उसको, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए हम अब थोड़ा सा बेसिक से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ने के बाद उसे समझने के लिए टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ देते हैं, फिर जो शब्द निकल के आते हैं उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आता है तो हम प्रीवियस ईयर, इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर बनाइए, और उन शब्दों को हम ढूंढते हैं जो बुक है उसमें ढूंढ लेते हैं, और समझने का तरीका ढूंढते हैं कि कैसे इसको समझा जाए, शब्दों को समझ लेते हैं, फिर वाक्य को समझते हैं। वाक्य समझने के बाद उसे हम देखते हैं कि ये सकारात्मक है या नकारात्मक अर्थ निकलना। अगर नकारात्मक निकलेगा तो ऑप्शन ढूंढेंगे जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक लगेगा उसे टिक कर देंगे, वो एमआर सेट में उसे रंग देंगे, एक नंबर आपका। अगर सकारात्मक हुआ, ऑप्शन ढूंढेंगे कि उससे संबंधित सकारात्मक शब्द मिलेगा, उसे टिक करेंगे और एक नंबर ओ एमआर सेट में गोला करेंगे, और जब चेकआउट होगा तो एक नंबर आपका होगा। और हमेशा याद रखिएगा एक सबसे बड़ा कीवर्ड कि आप विद्यालय में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? आप विद्यालय में जाते हैं तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, एक नहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन सबको पढ़ाने के लिए जाते हैं। वो सब आपके अपने बच्चे हैं, समान रूप से उन बच्चों को देखिए। अगर किसी को प्रॉब्लम भी हो तो समझिए कि वो आपके क्लासरूम में आया है तो वो पढ़ने ही आया है, उसको हटाना नहीं है, किसी कोचिंग में नहीं भेजना है, आप पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं, आप जो कल का भविष्य है उसका निर्माण करने के लिए आप शिक्षक बन के आए हैं। उसके बाद जवाब दीजिए, निश्चित ही सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों को, कुछ थ्योरी के भी प्रश्न स्टार्टिंग में आए हैं, बाद में तो बहुत मजा आएगा आपको जब कीवर्ड आप सीख जाएंगे। तो
चलिए पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। हमने बताया था कि जो भी प्रश्न आएंगे उसको हम तोड़ेंगे, उसे क्या करें हम लोग तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। जैसे मैं यहां पे हमें एक शब्द मिला भाषा के अर्जन, अर्जन एक शब्द मिला, अर्जन मीन्स क्या होता है? विकास तो आप जानते हैं डेवलपमेंट को कहा जाता है, यानी किसी भी तरह का उसमें वृद्धि होगा, वृद्धि तो एक छोटा सा अंश हो गया विकास का, उसमें विकास में और भी चीज होते हैं, दिन प्रतिदिन आप विकास करते जाते हैं, ज्ञान भी आपका बढ़ता है, तो वो भी एक तरह का डेवलपमेंट है, विकास है, तो विकास तो आप समझते ही होंगे। अर्जन क्या है? अधिगम एक शब्द आता है, अधिगम सीखना, अर्जन क्या होता है? अर्जन अधिगम में बहुत अंतर है, दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि दोनों क्या है, अधिगम क्या है, अर्जन क्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे। देखिए कोई भी चीज है ना, हो सकता है लंबा सारा वीडियो है लेकिन समझ लीजिए ये हमेशा काम आएगा। जैसे मैं कहूं कि छोटा सा बच्चा आपके घर पे है, स्कूल नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है, छोटा सा बच्चा है, मतलब जन्म लिया 2-3 महीने का हुआ होगा, 5-6 महीना, जब 1 साल या 2 साल का जब वो बच्चा बढ़ के होता है तो देखते हैं आपकी भाषा में बोलना सीख जाता है। क्या आप उसे अधिगम कराते हैं, सिखाते हैं उसे, स्कूल वगैरह भेज के सिखाते हैं? नहीं सिखाते ना, फिर भी बोलना सीख जाता है, तो वो अर्जित करता है, आपसे क्या करता है, अर्जित करता है। इस पे जब डिस्कस करेंगे, अर्जन पे एक बहुत सारा है, इसके कैसे कैसे वो अर्जन करता है वो सारी चीज डिस्कस होगा, अनुकरण द्वारा सीखता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वो अर्जित करता है, अगर विद्यालय में उसे भेज के हम सिखाते हैं भाई कोई भी चीज, तो वो अधिगम होगा, ऐसे वो इक्वायर किया छोटा सा बच्चा, तो वो अर्जन हुआ। वही पूछ रहा है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, वो कौन सी अवधि है जो अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है, ये पूछा जा रहा है। तो अर्जन मिस होगा कि जाहिर सी बात है छोटे बच्चों की बात की जा रही है, क्योंकि इक्वायर किया है वो। अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या है। पहला है जन्म पूर्व अवधि, जन्म से पहले वाला अवधि। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तीसरा है मध्य बाल्यावस्था। चौथा है किशोरावस्था। अब इन सारे को समझने के लिए आपको अवस्थाओं के बारे में जानना चाहिए, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए अवस्थाओं को जानने के लिए बहुत सारे तरीके से अलग अलग बांटा गया है, लेकिन अभी करंट में जो सीटेट फॉलो करते हैं, किसे फॉलो करते हैं, वो अवस्थाएं हम आपको लिखवा देते हैं। अगर कॉपी पेन होगा को लिख लीजिए, हमेशा काम आएगा। पहला है आपका पूर्व प्रसूति काल, जो पहला जो आपका इसमें भी ऑप्शन दिख रहा है ना, जन्म पूर्व अवधि, वही है आपका पूर्व प्रसूति काल। अर्थात इसका उम्र देखेंगे, एज देखेंगे, को गर्भ धारण से प्रारंभ होकर जन्म तक, गर्भधारण से प्रारंभ होकर आपका जन्म तक पूर्व प्रसूति काल होता है। इसके बाद दूसरा आता है शैशवावस्था, यह होता है जन्म से 10 से 14 दिनों तक, याद रखिएगा 2 सप्ताह तक लगभग होता है जन्म से, उसे कहते हैं हम शैशवावस्था। तीसरा होता है बचपनावस्था, ये जन्म के 2 सप्ताह से 2 साल तक होता है, यानी जो 14 दिनों हमने कहा था ना, वहां से लेकर 2 साल तक होता है। क्या चीज होता है आपका? बचपनावस्था होता है। इसके बाद चौथा आता है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आपका होता है 2 साल से 10 या 12 साल तक। बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 साल से 6 साल तक होता है, उत्तर बाल्यावस्था आपका बालकों में होता है आपका 6 से 12 साल, बालिकाओं में होता है 6 से 10 साल तक। अभी सारे जो अवस्थाएं हैं सारे को एक जगह नोट कर लीजिए, नोट कर ही भी लिया होगा आपने, और इसके डैश लगा के सबका कीवर्ड आप बुक से नोट कर लें, सबकी विशेषताएं एक एक शब्द में या दो दो शब्द में, इसे आप याद कर लीजिए, ये सकारात्मक शब्द हो गए, एक एक शब्द लिख के या दो दो शब्द लिख के तैयार कर लीजिए। जैसे मैं प्रारंभिक बाल्यावस्था का आपको लिखा देता हूँ, इसमें भाषा आपका अर्जन एवं विकास के लिए सबसे संवेदनशील है, सर्वाधिक संवेदनशील है भाषा अर्जन के लिए। भाषा अर्जन के लिए क्यों संवेदनशील है? क्योंकि जब बच्चा 2 साल तक होता है तो थोड़ा थोड़ा सीखता है, मतलब बोलना सीख जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं बोलता है। लेकिन अगर वो उसका उम्र 6 साल से पहले तक अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो अर्जित करके विद्यालय में चला जाता है, उसके बाद वो सीखने के लिए चला जाता है। तो ये प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है वो अर्जन से संबंधित है, वही चीज प्रश्न में भी है।
तो अगर ये कीवर्ड अगर आप सकारात्मक जान गए तो निश्चित ही से हल कर सकते हैं। इसके बाद अगर एक और एग्जांपल विशेषता इसके ही बता दें कीवर्ड के रूप में, सकारात्मक कीवर्ड के रूप में, तो इसका एक और है कीवर्ड की शारीरिक विकास एवं वृद्धि बहुत तेजी से ना इसी में होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था या शैशवावस्था भी में भी होती है, स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं, इसमें बहुत तेजी से होती है शारीरिक आपका विकास और वृद्धि बहुत तेजी से होता है। लेकिन प्रश्न उससे संबंधित नहीं, प्रश्न पूछ रहा भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो दो नंबर आंसर सही होगा। अब जो हमने उम्र बताया है उस हिसाब से आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि नहीं यही होगा, और टिक करके आएंगे और मार्कशीट में रंगेंगे, एक मार्क्स निश्चित ही आपको मिल जाएगा, इसलिए हमने आपको समझा दिया कि ये क्या क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बता दें कि अगर ये सारी चीज है तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है उसे भी आपको देखना होता है। मान लीजिए अवस्थाएं याद हो गया, कीवर्ड लिख लिए, तो उसमें आपका शारीरिक विकास के बारे में कीवर्ड लिखिए, भाषा विकास के बारे में, सांवेगिक विकास के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास, सबके बारे में दो दो तीन तीन सकारात्मक कीवर्ड लिख लें और उसे हमेशा के लिए नोट करके रख लें। निश्चित ही कहीं दिक्कत नहीं होगा, जो भी क्वेश्चन अगर इससे संबंधित आता है, विकास से संबंधित, निश्चित ही क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? हमें बोला था कि छोटे छोटे शब्दों में तोड़ना है आपको, तो एक तोड़िएगा कि ये कोहलबर्ग के बारे में है और नैतिक विकास की अवस्था से संबंधित है। नैतिक विकास की अवस्था आपका पियाजे से भी संबंधित है, उससे भी प्रश्न आते हैं तो आपको देखना पड़ेगा पियाजे का भी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लोअर आपका कोहलबर्ग से संबंधित है, कोहलबर्ग भी कहा जाता है इन्हें। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसमें से एक अवस्था देखना है। केवल अगर आपको अवस्थाएं याद होगा, यानी आपका तीन स्तर और छह चरण है, छह चरण अगर आपको याद है तो निश्चित ही से देख के ही टिक कर देंगे आप, कुछ करना ही नहीं, केवल नाम याद होगा तो टिक कर देंगे। अगर पियाजे को भी देखना होता है, पियाजे से संबंधित एक ऑप्शन है आपका, तो पियाजे को देख लेंगे तो उससे भी काट सकते हैं। इसके बाद वाइगोट्स्की का भी आता है, उसे भी आपको देखना होगा। साथ में हम आपसे कहेंगे कि सभी का सकारात्मक शब्द निकाल लीजिए, आज हम पियाजे का सकारात्मक शब्द या वाइगोट्स्की का सकारात्मक शब्द लिखवाएंगे, उसे लिख लीजिएगा। इनका जो अवस्थाएं हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम बता देते हैं, नोट कर लीजिए। कोहलबर्ग द्वारा दी गई जो अवस्थाएं हैं वो नैतिक विकास की अवस्था कहलाती हैं। इसके तीन स्तर हैं और छह चरण हैं, यानी तीन भागों में बांट के उसे फिर बांटा गया है छह भागों में। प्रत्येक चरण का दो स्तर है, यानी तीन को दो दो भागों में बांटा गया, दो दो बांट दिया गया सब जगह, तो प्रत्येक स्तर का दो चरण है। अगर पहला देखा जाए तो पूर्व परंपरागत है, इसका चरण है पहला अज्ञेयकारिता और सजा अभिविन्यास। इसमें बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चों के बारे में है ये, वो छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो अज्ञेयकारी बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ कहो तो आज्ञा का पालन करते नहीं करते हैं, तो आप क्या करते हैं, लगते हैं थोपने, थोपने मतलब मारने लगते हैं, इसीलिए सजा से डर के वो आपका काम करना शुरू कर देते हैं, ये पहला चरण है। देखिए जो भी है ना, इस पे वीडियो है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। दूसरा इसका है आपका चरण वाद यंत्र अभिविन्यास, इसमें अहंकार केंद्रित का चरण है, ये अहंकार हो जाता है थोड़ा बच्चों में। इसके बाद अगले पे चलते हैं, को अगला आपका जो स्तर है वो है पारंपरिक, इसका चरण है आपका अंतर व्यक्तिगत समझौता। अंतर व्यक्तिगत समझौता जो संबंधित होता है अच्छा लड़का, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास होता है, जो प्रशंसा का मंच होता है, प्रशंसा वगैरह कीजिए तो बहुत खुश रहते हैं, उसी में अच्छा लड़का लड़की बनने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगला जो चरण होता है वो कानून और व्यवस्था अभिविन्यास होता है, जो भी कानून, जो भी नियम कानून व्यवस्था होता है वही अभिविन्यास होता है, यानी सामाजिक प्रणाली के लिए प्राधिकरण सम्मान का मंच होता है, सारा नियम कानून फॉलो करते हैं वो लोग। तीसरा है आपका प्रसव पारंपरिक, इसका नाम अलग अलग मिल जाएगा आपका, यानी पर परंपरागत। इसमें देखा जाए तो जो पांचवा चरण है आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जो इसमें लिखा भी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी सामाजिक अनुबंध से संबंधित होता है। इसके बाद छठा जो होता है आपका सार्वभौमिक नैतिक प्रधानाचार अभिविन्यास होता है, जो विवेक का मंच होता है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, सारे चीज हमने उस वीडियोस में बताया, उसे देख लीजिएगा। तो इसमें देखा जाए तो हमारा प्रश्न डायरेक्ट उसी से था, कोई ये पांचवा चरण के बारे में उन्होंने लिखा था,
सामाजिक अभिविन्यास। तो ये अगर केवल चरण और स्तर याद कर लेते हैं, यानी तीन स्तर छह चरण है, को ये याद कर लेते हैं आप, तो उससे भी बहुत कुछ हल हो जाएगा। और सबके बारे में दो दो लाइन आप डिस्क्रिप्शन में एक छोटे छोटे शब्दों में तोड़ के लिख लीजिएगा, तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखा जाएगा दो का आपने केवल आपको चरण और स्तर याद है तो टिक कर सकते हैं, तो दूसरा का आंसर क्या होगा, दो नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर तीन, यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रश्न जो है लिखा गया है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसका अगर प्रश्न देखा जाए तो ये सेंस कैसा निकलता है, तो आप कहेंगे ये नकारात्मक सेंस निकलता है, यानी जो भी यहाँ पे वाक्य इस्तेमाल हुआ है वो नकारात्मक अर्थ इसका निकलता है। तो इसका जो उत्तर भी होगा वो नकारात्मक ही होगा। तो इसमें नकारात्मक शब्द देखा जाए तो पक्षपात आ जाएगा। पक्षपात वो चीज़ होता है कि कुछ बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन आपने देखा है, ऊपर में आपने क्वेश्चन देखा है, ये एक तरह से दिखाया जा रहा है कुछ लोगों को मदद कर रहे हैं, कुछ लोगों को मदद नहीं कर रहे हैं, यानी क्या हो गया ना, जेंडर पक्षपात की बात हो गई। कुछ करना ही नहीं, देखना है और टिक करना है। अब यहाँ पे कुछ और भी शब्द हम आपको याद करवा देते हैं जो इसके साथ आते हैं। जब भी लड़का लड़की की तुलना, ऊपर में हेडिंग डाल दीजिए लड़का लड़की की तुलना, इसके कीवर्ड क्या क्या होंगे। लड़का लड़की की तुलना नकारात्मक हो जाएगा और ऑप्शन ढूंढेंगे हम नकारात्मक। नकारात्मक में कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, एक हो जाएगा आपका जेंडर पक्षपात, यानी जेंडर बायस, अंग्रेजी में देख लीजिए जेंडर बायस। दूसरा हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह आ जाएगा, उसे भी नोट कर लीजिए। तीसरा आएगा आपका जेंडर या लिंग रूढ़िवादिता, जेंडर हो या लिंग हो जो भी लिखा गया, रूढ़िवादिता शब्द आ जाएगा। तो ये सारे शब्द किसके लिए बने हैं, तो लड़का लड़की तुलना के लिए बने गए। ये सारे नकारात्मक होते हैं और जब भी इस तरह के प्रश्न आए उसे देखना है और उसे टिक कर देना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपने पढ़ा क्वेश्चन और तुरंत उत्तर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए इसी से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर चार, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो नकारात्मक शब्द वाला है सकारात्मक शब्द वाला है। अगर प्रश्न पूछूं तो इसमें क्या पूछा गया, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए, यानी जो जेंडर भूमिका है रूढ़िवादिता है इसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी किसी खराब चीज को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो जाहिर सी बात है उसका कम से कम इस्तेमाल करना होगा, कम से कम यूज करना होगा, तभी तो वो कम होगा। अगर बार बार उसे रिपीट करेंगे तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा। तो वाक्य आपने देखा तो वाक्य का सेंस क्या निकल रहा है कि नकारात्मक है, यानी किसी एक ऐसे चीज को वो बाहर करना चाहता है जो गलत है। तो आंसर भी उसी तरह का ढूंढेंगे। तो आंसर देखते हैं क्या क्या है। इसमें दिया है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, यानी उस पर चर्चा करना। दूसरा लिखा गया जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, यानी जो भी विशिष्ट भूमिकाएं हैं उसको महत्व देना। तीसरा लिखा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, यानी एक खेल समूह उसको बना देना, जेंडर पृथक यानी जेंडर जो होता है उसका पृथक यानी अलग करके, लिंग का अलग अलग करके उसका समूह बनाना। चौथा है जेंडर पृथक बैठाने की व्यवस्था, जेंडर के हिसाब से उसे पृथक करके अलग अलग करके बैठा दो। तो जाहिर सी बात है हम क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं ना पृथक करके, हाँ इधर तुम बैठ जाओ इधर तुम बैठ जाओ, लिंग के हिसाब से बैठा दिए, इधर बैठा दिए उधर बैठा दिए, या उनका खेल का समूह अलग अलग बना दिए, तुम ऐसे खेलो तुम ऐसे खेलो, तो इससे क्या होगा कमी हो जाएगा। नहीं, ये तो इस्तेमाल है, ये तीनों जो ऑप्शन है ये इस्तेमाल है, ये बढ़ावा देंगे। हाँ, अगर दूर करना है कम करना है तो सबसे छोटा वाला हमें लेना होगा जो नकारात्मक हो। तो जब भी आंसर आप इसमें टिक कीजिएगा एक नंबर, जब भी इस तरह के ऑप्शन आए तो पढ़ाई के सिलसिले में ये तीनों ऑप्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसके, इसके छोड़ के, यानी परिचर्चा छोड़ के, व्याख्या छोड़ के, परिचर्चा वाले ऑप्शन व्याख्या वाले ऑप्शन नकारात्मक होते हैं और वो कम सेंस वाले होते हैं, यानी नकारात्मक सेंस वाले होते हैं, इसलिए उसे हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं, इसलिए वो सही नहीं होते। लेकिन प्रश्न आपका क्या है, नकारात्मक है, इसीलिए हम किसके साथ जाएंगे, परिचर्चा के साथ जाएंगे, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करके हटा देंगे, काम खत्म। अगर खेल द्वारा पढ़ाना होगा तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे सीखेंगे, रुचिपूर्वक सीखेंगे, ये सारी चीज कर सकते हैं। गतिविधि द्वारा हमको कराना होगा तो अच्छे तरीके से वो सीखेंगे,
गतिविधि कराते हैं, खोज द्वारा कराते हैं, तो अच्छे तरीके से वो सीखेंगे, वो अच्छे सेंस में वो किसके साथ जाएंगे, सकारात्मक प्रश्न रहेगा तो उसके साथ जाएंगे। लेकिन ये नकारात्मक प्रश्न है, रूढ़िवादिता, जेंडर, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो बच्चों को याद हो जाएगा, इसलिए कम कीजिए, परिचर्चा वगैरह करा के हटा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का होगा 1, ये शायद थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा नहीं आया होगा, लेकिन इसे नोट कर लीजिएगा। लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर जब बनाना शुरू कर देंगे तो ये क्वेश्चन जो हमने जिस तरीके से डील कराया है, अगर आपने 3-4 साल का हल किया होगा तो ये दिमाग में निश्चित ही बैठ जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपका है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का प्रभाव को महत्व दिया है? सामाजिक एवं संस्कृति, इससे पहले हमने कोहलबर्ग का नाम लिया था, या कोहलबर्ग का नाम लिया था, उसमें हमने बताया था नैतिक के बारे में बोलते हैं, तो नैतिक से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा ना कोहलबर्ग पे चला जाता है, एक दो प्रश्न छोड़ के वो पियाजे पे जाता है। लेकिन अगर बात करें तो ये किसका हो जाएगा, तो अगर आपको पता है कि जो प्रश्न है उसमें इस्तेमाल किया है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय, तो ये आपके सकारात्मक जो आपने कीवर्ड लिखे होंगे उसमें जरूर होगा। तो वो किसमें हो सकता है, वो कीवर्ड किसमें हो सकता है, तो ये कीवर्ड आपका हो सकता है वाइगोट्स्की में। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो वाइगोट्स्की का सकारात्मक शब्द लिख लीजिए, आज लिख लीजिए, निश्चित ही इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो 2 सेकंड नहीं लगेगा, देखेंगे आप टिक कर देंगे, लिखिए अगर आपको लिखना है तो। कहीं भी अगर कोई शब्द मिलता है सामाजिक एवं संस्कृति, वो वाइगोट्स्की के साथ जाएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए वाइगोट्स्की डैश दीजिए, इनका सकारात्मक शब्द लिखिए, सामाजिक एवं संस्कृति, सांस्कृतिक इसके आगे लिखिए, कमा देखिए भाषा और चिंतन, कमा दीजिए निकट विकास का क्षेत्र, फिर कमा दीजिए एस्कोप फोल्डिंग, जिसे मचान बनाना भी कहते हैं, पाड़ भी कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं। ये होता क्या है पहाड़ या ढांचा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है। तो देखिए ये पहाड़ या ढांचा होता क्या है, इसको फोल्डिंग होता क्या है, मचान बनाना होता क्या है, देखिए इसमें जो भी बच्चा सीखता है ना उसको अस्थाई रूप से हम हेल्प कर देते हैं और बच्चा सीख जाता है, मैंने अस्थाई रूप से थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, थोड़ा सा संकेत दे देते हैं अस्थाई रूप, ऐसा नहीं कि पूरा सिखाई दी, वैसा नहीं, थोड़ा सा हेल्प किए बच्चा अपना टास्क जो भी कंप्लीट कर लिया, उसे इसको फोल्डिंग कहते हैं, या पाड़ कहते हैं, या ढांचा कहते हैं, या मचान कहते हैं, ये बहुत सारे शब्द हैं, सबको नोट कर लीजिए। तो ये जो शब्द आते हैं ये किसका हो जाएगा, वाइगोट्स्की से संबंधित होता है। इसका अतिरिक्त आता है, आप जानते होंगे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये किससे संबंधित है, इन्हीं से संबंधित है, किससे, वाइगोट्स्की से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आता है एक और, व्यक्तिगत वार्ता, ये सभी जो हैं ये सभी शब्द सकारात्मक हैं, किसके सकारात्मक है, को वाइगोट्स्की से संबंधित सकारात्मक शब्द है, वो वाइगोट्स्की से संबंधित जब भी इस तरह के शब्द आएंगे को देख के ही केवल प्रश्न को आपको टिक करना है। हमने बताया था आपका सामाजिक एवं संस्कृति पूछा था, इसमें आया है क्या सामाजिक एवं सांस्कृतिक शब्द आ गया, कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा सोचना भी नहीं है, हम मारेंगे 2 नंबर और ये हमार सीट पे गोला करेंगे, निश्चित ही सही हो जाएगा, लिव वाइगोट्स्की, यही चीज हम बताने जा रहे थे, बार बार ऊपर से समझाते हुए आ रहे थे कि क्या आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको निश्चित ही क्लियर हो गया होगा, यही सकारात्मक है आपका। क्वेश्चन पूछा इसमें देखें कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय है, एकदम सकारात्मक है, और ये किससे संबंधित है, को सकारात्मक, इसमें हम ये वाइगोट्स्की का सकारात्मक शब्द है, टिक किया, आंसर सही। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, जिग्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं, प्रश्न एकदम सकारात्मक है, वाइगोट्स्की यूज किया गया है, एक एग्जांपल दिया गया है, और ये किससे संबंधित है, सबसे पहले हम सकारात्मक इसमें वाइगोट्स्की का खोजेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत वार्ता दिया हुआ है, हमने अभी लिखवाया था, पार या ढांचा दिया हुआ है, जोर से बोलना नहीं दिया है, आत्म केंद्रित वार्ता नहीं दिया है। अब ये 2 हैं, दोनों में से कोई एक सही होगा, अब इस पे सेंस लगाना है हमको कि ये जो 2 दिया है सकारात्मक शब्द तो ठीक है, एक देता को निश्चित आप टिक कर देते, लेकिन 2 आ रहा, व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा पारिया ढांचा, एग्जाम्पल इतना
इतना बड़ा है, और व्यक्तिगत जो बढ़ता है उसके बारे में हमने नहीं बताया था, लेकिन ढांचा आपको पार या ढांचा हमने बताया था कि कोई भी काम बच्चा कर रहा है उसमें थोड़ा सा मदद कर दो, थोड़ा सा संकेत दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, आवश्यकता जो भी उसको आवश्यकता है थोड़ा सा कर दो, वो अपना काम पूरा कर लेता है, उसे हम लोग पार या ढांचा करते हैं। क्या ये कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्वयं से कुछ बातें कर रहा है, स्वयं से कोई बच्चा है 5 साल का, वो स्वयं से क्या कर रही है, लड़की बातें कर रही है, स्वयं से बातें कर रही है यानी बातचीत कर रही है, बात मीन्स वार्ता, वार्ता मीन्स क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। कुछ नहीं करना है, देखना और टिक करना है। अगर आपके पास ये बना हुआ, ये बनेगा कैसे, आप कहेंगे कि सर सबका लिखवा दीजिए सकारात्मक शब्द, देखिए आप खुद से बनाइए, कुछ तो हम लिखवाएंगे, आज हमने इनका लिखवा दिया, फिर इसके बाद हम अभी प्याजे का भी लिखवा देते हैं, खुद से बनाइए, थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, निश्चित ही याद हो जाएगा। तो देखा जाए 6 का आपका 1 नंबर सही होगा। जिग्सॉ पहेली को करते समय, जिग्सॉ क्या होता है ना, एक पिक्चर का टुकड़ा होता है, उसको चारों तरफ से तोड़ दीजिए, मैंने काट के दीजिए, फिर उसको मिला के बना देना होता है, जैसे भारत का नक्शा याद करने के लिए उसी तरह का तरीका हमने आपको बताया था। तो उसी तरीके से कि जिग्सॉ पहेली को करते समय 5 साल की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा, यानी यहाँ ये लगा देंगे गाढ़े जो भी रंग वाला है तो ये जूता पूरा बन जाएगा। तो ये स्वयं से कहती है, यानी व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। कोई ये किससे संबंधित है, कोई ये आपका वाइगोट्स्की से संबंधित है। अब व्यक्तिगत वार्ता से कोई प्रश्न आएगा तो निश्चित ही आप टिक कर सकते हैं, स्वयं से वार्ता समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये तो अभी हम ऊपर से समझाते हुए आ रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया, बच्चों को संकेत देना यानी बच्चा को संकेत दे देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान, थोड़ा सा सहयोग दे देना, पूरा नहीं सहयोग देना याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पार या ढांचा का, स्कोप फोल्डिंग अंग्रेजी में लिखा गया है, और देखिए इसके शब्द फिर से हम बता देते हैं, इसका क्या क्या नाम है, स्कोप फोल्डिंग है, मचान है, पाड़ है, ढांचा है, जिसमें अस्थायी रूप से सहायता प्रदान की जाती है, को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, क्या कहलाता है आपका, पहाड़िया ढांचा कहलाता है। ये किससे संबंधित है? किसको ये आपका संबंधित है, आपका वाइगोट्स्की से संबंधित है। तो ये सारे चीज आप जानिए, एक एक शब्द जो भी आप कीवर्ड तैयार कर रहे हैं, जो भी सकारात्मक शब्द याद तैयार कर रहे हैं, तो सबके बारे में एक एक लाइन लिख लीजिएगा, तो ये कभी भूलिएगा तक नहीं। कीवर्ड क्यों लिखवाते हैं हम, इसलिए सकारात्मक शब्द लिखवा रहे हैं कि जब भी सकारात्मक शब्द रहेगा तो कभी ना कभी याद रहेगा, इसका याद है सकारात्मक शब्द, इसका नहीं याद है, तो ये तो उन्हीं का है, लेकिन जब इसका ये प्रश्न नहीं से संबंधित रिलेटेड हो रहा है तो ये जरूर हो जाएगा। इसमें देखिएगा तो कोई भी नहीं संबंधित है आपका वाइगोट्स्की से, तो ये तीनों तो काट ही देंगे, बच जाएगा, उसी को टिक कर देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी से चलेंगे आप हम लोग, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे, ये जीन प्याजे से संबंधित है, के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्याजे के बारे में आप जानते हैं उन्होंने क्या किया था, 4 अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं आपको याद होना चाहिए कि आपका सबसे पहले सेंसरी मोटर बताया जाता है, ये 4 अवस्थाएं आप जरूर याद कर लीजिएगा। इनका अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पियाजे का सकारात्मक शब्द, इनका सकारात्मक शब्द है संज्ञानात्मक विकास या संरचनात्मक, स्कीमा, स्कीम्स, सदृशीकरण, अनुकूलन, साम्यधारण, समायोजन, पलटावी या रिवर्सबिलिटी जो अंग्रेजी में कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व, संरक्षण, समावेशन, जीववाद, विकेंद्रण, सेंसरी मोटर, मूर्त अमूर्त, पूर्व संक्रियात्मक इत्यादि शब्द याद रखना है। ये सारे शब्द अगर आते हैं तो ये सकारात्मक होगा पियाजे से संबंधित। सभी शब्दों के बारे में ना एक एक लाइन, मात्र ज्यादा नहीं, एक एक लाइन लिख लीजिए ये होता क्या है, तो निश्चित ही आप कर सकते हैं। अगर आप 4 अवस्थाओं को लिखते हैं, 4 अवस्थाओं के बारे में एक एक लाइन सकारात्मक शब्द लिख लीजिए। ये प्रश्न जो सीटेट वाले उठाते हैं वहीं से उठाते हैं, केवल सकारात्मक शब्द चूज करते हैं, बस सकारात्मक, यानी उसका मेन हेडिंग से एक उठा लिए। जैसे इन्होंने ये पूछा है, निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन पियाजे के प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। अगर आपको पता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन सा आपका सकारात्मक शब्द है, को निश्चित ही आप टिक कर सकते हैं। इसमें सकारात्मक शब्द कौन कौन सा हो सकता है, तो इसमें उस कौन कौन सा गुण आता है, पलटावी का गुण आ जाता है आपका,
तो वो सकारात्मक शब्द क्या हो जाएगा, पलटावी आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका संरक्षण आता है, संरक्षण का गुण आ जाता है आपका। अब आप पूछेंगे संरक्षण होता भी क्या है, तो इसके लिए भी एक हमने छोटा सा वीडियो बनाया, उसे देख सकते हैं पियाजे पे। फुल वीडियो अभी हिंदी क्लब का नहीं आया है, लेकिन देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे हम बता देते हैं, अभी वीडियो तो बहुत लंबा होते जा रहा है। संरक्षण होता क्या है, पियाजे के सिद्धांत में देखा जाए तो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है। संरक्षण से तात्पर्य क्या होता है, तो ये वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता होती है। यानी स्थिरता और परिवर्तन दोनों को पहचानता है वो, स्थिरता है यानी जो स्थिर है, जो चेंजिंग आ रहा है उसको दोनों को पहचानता है और समझता है, तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता में होता है। यानी जो भी उसका रंग रूप है उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है वो, और तत्व का जो तत्व है वो, जो भी दोनों में परिवर्तन होता है दोनों के अंतर के बारे में वो जानता है, दोनों को अलग करने का वो क्षमता रखता है कि ये कलर चेंज हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इसी को संरक्षण कहते हैं। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस पर बहुत ज़्यादा शोध भी किए हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस पर शोध भी किए हैं। तो ये संरक्षण का गुण कब आता है, वर्गीकरण का गुण कब आता है, तो ये सारे आते हैं आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। समावेशन, कक्षा समावेशन का गुण कब आता है, तो ये आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी तीसरी अवस्था में आता है। तो और कुछ देखना ही नहीं है। देखिए अब काटेंगे कैसे, अनु उत्क्रमणीयता जो होता है, यानी पलटावी का ठीक पहले वाला पोजीशन है कि दूसरी अवस्था में आता है ये आपका, रिवर्सिबिलिटी नहीं हो पाता है। यहां देखिए ई रिवर्सिबिलिटी लिखा गया है, तो ये होता नहीं, रिवर्सिबिलिटी आपका आता है किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो ये तो होगा नहीं, तो ये कट गया। पदार्थ अस्थावित्व कब आएगा, पदार्थ अस्थावित्व आपका आता है फर्स्ट स्टेज में, यानी सेंसरी मोटर में आता है। तो अगर आप जानते हैं तो इस सारे प्रश्नों को ऐसे ही, सारे ऑप्शन को ऐसे ही डील करके काट सकते हैं, जो बच जाएगा उसे टिक कर देंगे, कुछ करना ही नहीं, केवल सकारात्मक शब्द लिखे रहेंगे तो इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं। वस्तु अस्थावित्व किसमें होता है, सकारात्मक शब्द आप लिखे होंगे सेंसरी मोटर में, वस्तु अस्थावित्व इसमें ये होता है, सेकंड में ये होता है, ये सारी चीज़ें अगर लिखे रहेंगे को देखना है और टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संरचना है, कुछ नहीं करना है आपको, देखना है इसमें कौन सा है। तो आप जानते हैं हमने अभी सकारात्मक शब्द लिखवाया है, उसमें स्कीमा है, आपने टिक किया, बाकी सबको क्या किया आपने, काट दिया, उनका कोई सकारात्मक इसमें शब्द नहीं है, एक ही है स्कीमा, देखा टिक किया। लेकिन इसी के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सबको सकारात्मक शब्द का याद करना पड़ेगा। ये पढ़ने का तरीका को थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है, थोड़ा मेहनत वाला है लेकिन छोटा कर दिया, लेकिन देख के उत्तर आप लोग टिक कर सकते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रश्न आपका सकारात्मक है। यानी जो आकलन करते हैं, किसी बच्चे को आकलित करते हैं, तो उसका प्रथम प्राथमिक मीन्स क्या होता है, प्रथम मेन प्राइमरी जो आपका उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए मुख्य रूप से। पहला लिखा गया, देखिए अब इसमें नकारात्मक शब्द पहले ढूंढ लेंगे तो ये सारा हट जाएगा। श्रेणी निश्चित करना, श्रेणी में बांटना, ये क्या है, नकारात्मक है, वीडियोस देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद प्राप्तांकों के आधार पर नकारात्मक, बांटना जो शब्द होता है ना बहुत खराब होता है, बच्चों को बांटना नहीं चाहिए, लिंग में भी नहीं बांटना है, प्राप्तांक के आधार पे किसी भी तरह से बांटना नहीं है, किसी भी तरह से तुलना नहीं करना है, सभी मेरे लिए बराबर है। हो सकता है कोई बहुत तेज तरार होगा, हो सकता है कोई बहुत स्लो सीखता होगा, ये सारे चीज डिपेंड किस पे करते हैं, तो ये डिपेंड करते हैं आपके उसका जो अनुवांशिक गुण है उस पर, और जो उसका वातावरण है उस पर, जिस वातावरण से आया है, जिस अनुवांशिकता से आया है, वो अनुवांशिक मतलब जो उसके माता पिता से जो उसे जीन प्राप्त हुआ है, जो गुण उसे प्राप्त हुआ है उस पर ये सारी चीज़ डिपेंड करते हैं, इसलिए वो स्लो या धीरे सीख सकता है, तो ये उस पर डिपेंड करते हैं। तो हम क्यों श्रेणीबद्ध करें, क्यों तुलना करें, कुछ करना ही नहीं है, बस इसमें देखना है। निश्चित श्रेणी निश्चित करना हटा दिया हमने, प्राप्तांकों के आधार पर हटा दिया हमने, उत्तीर्ण और उत्तीर्ण के आधार पर हटा दिया हमने, उसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारे बच्चे मेरे अपने हैं और सभी भविष्य निर्माण करता होते हैं। कभी आपने ये भी सुना होगा कि अरे उनका लड़का कमजोर था लेकिन आज बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, पढ़ने में बहुत कमजोर था लेकिन ज्यादा पैसा कमा रहा है, उनका लड़का बहुत तेज तरह था लेकिन आज विदेश में जाके ये काम कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है।
इंडिया में नौकरी नहीं मिला, बहुत तेज तरार था तो भी। चलिए उस पर डिस्कस नहीं करना, हमें इस पर करना था कि निश्चित करना प्राप्तांकों के आधार पे और रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये सारे गलत सेंस में है, जो बच जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। आकलन का प्राथमिक मेन उद्देश्य मेरा क्या होना चाहिए, मेरा होना चाहिए कि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सके, बेहतर वो कर सके, बेहतर से बेहतर वो कर सके, क्या कमियां उसे हम दूर कर सके, आकलित कर सके कि क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। ऑप्शन पढ़िए, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, उसे समझेंगे तभी तो आगे से उसे और बेहतर करने के लिए तरीके को अपनाएंगे। अभी कोरोना छाया हुआ, अगर हम लोग इसी तरीके से अगर अपने बच्चे को पढ़ाएं तो ये कोरोना वगैरह कोई भी प्रॉब्लम होगा तुरंत सॉल्व कर सकता है। खोज होगा अगर तेज तरार भविष्य अगर हम अच्छा करेंगे तो बहुत तेजी से चेंजिंग होगा। तो इसको देखना, 10 नंबर का देखना है, उत्तर करना है बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि के बारे में, बुद्धि बहुत ही अच्छा चैप्टर, उसे पढ़ना चाहिए। बुद्धि जो होता है बहुआयामी होता है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है, जटिल योग्यताओं का एक समूह। देखा जाए तो इसका 11 का डायरेक्ट उत्तर मारेंगे आप 4। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने कहा है, बार बार हम कहते हैं आपसे कि बहुबुद्धि जरूर पढ़िएगा। इस बार दिसंबर में क्वेश्चन आपका नहीं आया है, लेकिन अगली बार जो अभी जो एग्जाम देने जा रहे हैं 2020 में, उसमें आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका बहुबुद्धि से सिद्धांत से रहेगा। उसके जो भी 9 भागों में बांटा गया सारे को याद कर लीजिए, किसमें संगीत बुद्धि होता है, क्या चीज होता है, क्या नाम है उसका जिसमें पेड़ पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, कौन होता है जो मूर्ति वगैरह बनाता है, कि ये सारे अगर आप एक बार देख लीजिएगा, उस पर भी वीडियोस बना तो निश्चित ही आप उसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ में आप कमेंट में भी बता सकते हैं सर ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, उसे हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, एक से अधिक समाधान यानी सृजनात्मक विचारक, एक से अधिक समाधान यानी सृजनात्मक विचारक होता है। एक इसमें अपसारी यूज किया होता है को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल किया अभिसारी। अभिसारी को कभी होगा नहीं, अभिसारी होता है ना, चारों तरफ से प्रकाश ले लो, एक बिंदु पे चले जाओ, उसे अभिसारी विचारक कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं, तो होगा क्या आपका सृजनात्मक विचारक, बस देखना है टिक करना है। रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, को ये सृजनात्मक विचारों का, सृजनात्मक विचारक गुण का प्रदर्शन कर रही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी उसमें क्या हो रहा है, वंचित समूह से जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में, सहभागिता कम हो रहा है, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रश्न आपका सकारात्मक है, इसमें उत्तर भी हमें सकारात्मक ढूंढना चाहिए। इसमें देखेंगे छोड़ने के लिए कहना, विद्यालय छोड़ने के लिए कहना, नकारात्मक है, बच्चे को भगाना आप चाहते हैं, उसी के लिए आपको पेमेंट मिलता, आप बच्चे को भगाएंगे तो ये क्या होगा, निश्चित ही ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, जैसी स्थिति है वैसे ही स्वीकार करना है, तो प्रश्न पूछने से हमको फायदा क्या है, वैसे ही स्थिति रहेगा तो प्रश्न क्यों पूछेंगे। ये इसलिए पूछा जा रहा कि आप शिक्षक होते तो क्या करते, खुद को आप शिक्षक मानिए, प्रश्न को डील कीजिए, और ये भी साथ में सोच के जरूर रखिएगा कि आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो कल का भविष्य लिखेगा, तो इसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे, नहीं हमें तो बेहतर बच्चे को बनाना है, इसे भी हटा देते हैं। इसके बाद अगला लिखा गया है आपका 3 नंबर ऑप्शन, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। अब देखिए, अपनी अपेक्षाएं ही कम कर देना, यानी हम जैसे बेहतर चाहते हैं उससे भी कम करके उसको डिस्प्ले करें कि कैसा हूं, टाइम हो पास हो वो टाइम पास करवा दे, हटा दे ये भी ऑप्शन। ऑप्शन देखा जाए तो 1, 2, 3 हटा दिया, जो बच गया वो आंसर हो गया। वैसे भी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका लंबा है, लंबा क्यों लिखेगा सीटेट में, जैसी बात है कोई अच्छा सा अर्थ निकल रहा होगा तभी तो लिखा होगा, ऐसे भी देख के ऐसे टिक कर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है इसमें, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों के सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, अच्छे अच्छे तरीके ढूंढने चाहिए। आपको बताया है इंसान अपनी गलती बहुत ही कम मानता है, अपनी गलती बहुत ही कम मानता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर डाला गया है कि आपको शिक्षक बनाने के लिए इतना नीचे तक आपको सोचना पड़े। यहाँ पे क्या होगा, अपनी गलती
मतलब मानिए पहले, शिक्षक हैं तो क्या हो, अपनी गलती मानिए, बच्चे के लिए आए हैं तो बच्चे के अनुसार ना ढलिए। आप क्यों बच्चे को अपने अनुसार ढालना, आप बच्चे के अनुसार ढल जाइए, निश्चित ही बहुत ही अच्छा बच्चा करेगा। इसमें देखा जाए तो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना, अपनी शिक्षण जो पद्धति अपनाई है उस पर विचार कीजिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। चलिए क्वेश्चन क्लोज किए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, क्वेश्चन तो समावेशी कक्षा के बारे में है। समावेशी कक्षा हमेशा आप लोग सुनते होंगे, सीटेट इससे पहले भी तैयारी करते होंगे, तो ये पॉजिटिव एक तरह से सेंस निकलता है, जो भी निगेटिव इसका ऑप्शन होगा उसे काट देंगे। तैयार नहीं कराना चाहिए, हटा दें, कभी कभी तैयार करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, बाकी समय क्या करना चाहिए, हटा दिए। इसके बाद देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4, तैयार करने के लिए हतोत्साहित, हतोत्साह मीन्स उत्साह को कम करना, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तीनों क्या है नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया है। हतोत्साहित करना, तैयार नहीं करना, कभी कभी तैयार करना, ये क्या है कभी कभी नहीं तैयार करना या हतोत्साहित करना, ये तीनों नकारात्मक शब्द है। हमें चाहिए क्या, सकारात्मक चाहिए, एक सकारात्मक यानी अच्छे के लिए हमें सेंस चाहिए, तो एक शब्द इसमें मिला है सक्रिय, ठीक है, सक्रिय शब्द देखा हमने, नहीं नहीं लगा है, तो इसमें ये ऑप्शन सी होगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। देखना है उत्तर टिक करना, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, केवल देखना है और टिक करना है। अगले भी क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिए ये भी कैसे सही होता है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, पठन वैफल्य अभी पहली बार सुने हैं, चलिए देख लेते हैं अंग्रेजी में इसका क्या लिखा गया। ये को डिसलेक्सिया लिखा है, डिसलेक्सिया क्या होता है निश्चित ही आप जानते होंगे, बहुत बार सीटेट में प्रश्न पूछा गया है। डिसलेक्सिया होता है जो पढ़ने, ये एक अक्षमता होता है, डिसलेक्सिया जो होता है वो एक तरह का अक्षमता होता है, वो पढ़ने की अक्षमता से संबंधित होता है, जो भी पढ़ने की अक्षमता से ऑप्शन होगा उसे देखना है और टिक करना है। बहुत सारी अक्षमता है, सारे अक्षमताओं को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस पे भी एक वीडियो बना हुआ, बहुत सारे वीडियोज बने हैं, लेकिन आप देखते कहां, देखेंगे तब तो देखिए उस वीडियो को, या कहेंगे तो कभी फिर कभी डिस्कस कर देंगे को, वो पढ़ने की क्षमता जिसमें भी लिखा होगा उसे हम टिक कर देंगे। न्यून अवधान विकार कोई मतलब नहीं है हमको, अब सारी चिंतन कोई मतलब नहीं, पढ़ने की ये क्या है धारा प्रवाहिता अक्षमता के बारे में नहीं है। तीन नंबर छोड़िए, चौथे नंबर को भी काट दीजिए, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना ये भी हटा दिए। अब एक बच गया ऑप्शन उसे टिक कर देंगे, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, वही तो है पढ़ने की अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। देखना है उत्तर देना है आपको। एक और क्वेश्चन लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी यानी ये जुलाई 2019 में भी पूछा गया, जुलाई 2019 में भी पूछा गया है, और हमेशा एक क्वेश्चन इस अधिनियम से जरूर रहता है 2009 का, तो इसे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इस अधिनियम के द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बालक जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु पूरा करते हैं, वो निःशक्त बालक हो या अन्य किसी अधिगम अक्षमता से ग्रसित हो, सभी को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। यहां पे हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, दिव्यांग जन जो होते हैं उसके अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष, 14 था पहले, लेकिन 6 से 18 वर्ष तक की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार की व्यवस्था की गई है। यह अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, यानी एक मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पे ये आधारित है। को देखा जाए तो इसका 16 नंबर का 3 होगा, और ये भी याद रखिए जो दिव्यांग जन है उनका जो है 6 से 18 वर्ष तक की आयु तक मुफ्त शिक्षा के बारे में कहा गया है, अन्य के लिए 6 से 14 वर्ष है। को 16 का आपका कितना नंबर आंसर सही होगा, 3 नंबर होगा। ये थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा आपको इसको जानना भी था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, 17 है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से
प्राथमिक रूप से कौन कौन सा होगा, याद करने वाला ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है, नोट करना चाहें तो नोट कर लें, यह नकारात्मक शब्द है। इसके बाद अगला जो है वो है आपका प्रबलन पर केंद्रित है, प्रबलन हो गया रेनफोर्समेंट, उसे को रेनफोर्समेंट पे कैसे हो सकता है, यह अधिगम प्राथमिक रूप से, इसे भी आप काट सकते हैं। बचा दो ऑप्शन, एक अनुबंधन द्वारा अर्जित है, दूसरा है अवबोधन की प्रक्रिया पे केंद्रित है। अवबोधन समझ में नहीं आ रहा, अवबोधन को आप ज्ञान के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो अंग्रेजी में चलेंगे प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी एक शाब्दिक अर्थ निकलना, मीनिंग मेकिंग यानी कुछ अच्छा कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे देखेंगे कि संरचनावादी जो ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से जो बढ़िया तरीके से ज्ञान की प्रक्रिया पर केंद्रित है तो इसे हम टिक कर सकते हैं, अवबोधन की प्रक्रिया पे केंद्रित है। यहाँ पे मीनिंग मेकिंग शब्द भी इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब कुछ सेंस में ना सकारात्मक शब्द घुस रहा है, यानी दिमाग में आ रहा है कि ये सकारात्मक शब्द हो सकता है, उस पर होगा। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए मनोविज्ञान में संरचनावाद या संरचनात्मक मनोविज्ञान है, वो विलियम वोंट तथा एडवर्ड बर्फोर्ड जो टीचिनर द्वारा विकसित एक चेतना का सिद्धांत है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। तो ये थोड़ा सा आपको थ्योरी का भी ज्ञान होना चाहिए, संरचनावाद क्या है, इसमें कौन कौन मनोवैज्ञानिक है, ये सारे अगर नोट करके फिर उसका छोटा छोटा कंसेप्ट क्लियर करके रखेंगे तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। इसमें अनदेखा शब्द आया, हटा दिया हमने, दंडित शब्द आया, हटा दिया हमने, बार बार याद करने की बात कहा गया, हटा दिया हमने, जो बच जाएगा उसे हम टिक कर देंगे, निश्चित ही सही हो जाएगा। ये क्या है, अनदेखा करना, नकारात्मक। अगर आप नहीं भी नकारात्मक शब्द जानते हैं तो अगर आपसे कहा जाए कि अनदेखा करना चाहिए बच्चों को, छोड़ दीजिए आगे क्या लिखा गया, अनदेखा करना चाहिए, तो आप कहेंगे ये तो अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी सिद्धांत चाहे कुछ भी का अनदेखा नहीं करना चाहिए। बच्चों को मारना चाहिए तो आप कहेंगे मारना, ये तो मना है, ये तो क्राइम बन जाएगा, हम जेल चले जाएंगे, तो नहीं मारना चाहिए, तो इसे भी हटा देंगे। याद करने वाला भी समझिए उसी से सेंस में, उसे भी हटा देंगे। बार बार याद, बार बार याद ही शब्द आ गया, तो इसे भी हटा देंगे। कुछ करना नहीं है, देखना और टिक करना है आपको। प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों में इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। आपको 18 नंबर क्वेश्चन देखना है, 4 नंबर टिक करना है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, 20 तक आज डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन कल करेंगे। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, छात्र केंद्रित यानी छात्र को केंद्र में रख के शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। यहां केवल शब्द लगा, हटा दिए। इसमें यंत्रत याद करने की बात कहा गया, हटा दिया हमने। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, योग्यता के आधार पर उसे नामांकित कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं, हटा दिया हमने। अब जो बच गया वो आंसर हो जाएगा 19 का। तो बच्चों को अनुभवों को प्रमुखता देना, ये सब क्या है, शब्द नकारात्मक शब्द है, नहीं होगा तो आज ही जो भी हम बोले ना कि ये हटा दिया हमने, उसे नोट कर लीजिए नकारात्मक शब्द में। केवल शब्द रहेगा तो अधिकतर वो गलत होते हैं, केवल पाठ्य पुस्तक यानी किसी एक चीज को, इंडिविजुअल को डिनोट कर रहा है तो उसे हटा देंगे। यंत्रोत याद करना, याद करने वाला लिख लीजिए, या यंत्रोत शब्द आता है उसे लिख लीजिए। उसे क्या करेंगे, यंत्र थोड़े ही, मशीन थोड़े ही है वो सारे बच्चे जो हैं, तो उसे क्या करेंगे, उसे जब भी इस तरह का शब्द इस्तेमाल वो करेंगे सीटेट में तो समझिएगा वो ऑप्शन गलत होता है। अगर प्रश्न में नहीं पूछता है यानी नकारात्मक होता है तो हम नकारात्मक शब्द वाले इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा है उसको नामांकित करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, बांटना, श्रेणी करना, ये सारे शब्द आएंगे, वो किस में चला जाएगा, तो वो आपका नकारात्मक में चला जाएगा। को जो बच जाएगा वो हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये सकारात्मक में लिख लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक बटन जरूर दीजिएगा, साथ में जो सीटेट के अभ्यर्थी उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो ला सकें। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश डैश है। देखिए इस प्रश्न का हल करने से पहले अगर आप प्रीवियस ईयर बनाते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, तो इसका अगर देखा जाए तो आपका प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है और ये आपका जुलाई 2019 का ही प्रश्न है। उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था कि जो विद्यार्थी
अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। और इसका आंसर था इस स्थिति या स्थिति संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। यह स्थिति के अनुसार देखा जाए तो संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। संज्ञान मीन्स क्या हो गया? ज्ञान। और संवेग क्या हो गया? संवेग मीन्स हो गया आपका इमोशंस, जो डर वगैरह है, ये सारे इमोशंस है। इसमें इसका इमोशंस है कि वो पहले से समझ जाता है कि महसूस कर लेता है कि वो इसमें अच्छा नहीं कर रहा और हतोत्साहित हो जाता है वो। तो ये दोनों क्या एक दूसरे में सम्निहित हैं, एक दूसरे में मिले हुए हैं, अलग नहीं है ये दोनों। तो बस यही देखना है और केवल टिक करना है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सम्निहित है, एक दूसरे से ये दोनों क्या अलग नहीं है। अगर कोई बच्चा समझता है, क्लासरूम में आता है और वो सोचता है कि यार मतलब वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो उसके माइंड में ही बैठ जाता है मैं इस विषय में अच्छा नहीं हूँ, और उसमें बिना प्रयास किए आसानी से काम को छोड़ देता है। तो ये क्या है? जो संज्ञान है वो संवेग से बिल्कुल वो अलग नहीं है, वो एक दूसरे में क्या है? सम्निहित है। तो ये हुए आज के टोटल 20 प्रश्न। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये प्रश्न का हल आपको कैसा लगा, और कोशिश कीजिए जो हमने तरीका बताया है, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा लेकिन उस तरह का शॉर्ट ट्रिक्स बनाने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार बन जाएगा ना तो पीछे कोई आपको नहीं छोड़ेगा। और एक प्रश्न आप सभी के लिए, ये प्रश्न है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 21, इसका उत्तर अगर आप जानते होंगे तो निश्चित ही दे दीजिए, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ही काट देंगे। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छोड़ दीजिए संरचनावादी सिद्धांत, यहाँ पे है आपका एक शब्द मिला फर्स्ट में आपका स्मरण। स्मरण मीन्स एक तरह से आप कह सकते हैं उसको रिकॉल करना, एक तरह से याद करने की बात कही गई है। दूसरा में यंत्रवत याद करना। तीसरा में आपका है आवृत्तियां संबंध, आवृत्ति हो गया आपका बार बार जो शब्द आता है वो, उसके बारे में लिखा गया। चौथा है आपका सक्रिय शब्द इसमें लगा हुआ है। अब आपको केवल ये ढूंढना है कि किस में आपका सकारात्मक शब्द है वही इसका आंसर सही होगा, जो सकारात्मक शब्द है वो सही होगा। तो आप टिक अंडरलाइन करके बस आपको आंसर बता देना है कि इसके कारण ये ऑप्शन सही हो रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इस आशा के साथ कि इस बार आप सीटेट में बहुत ही अच्छा करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।